भाई बहन के प्यार का लोहा तो सारी दुनिया मानती है, फिर लोहे की सलाखें भला इनके प्यार को कैसे रोक सकती थी। रक्षाबंधन का त्योहार ही ऐसा है कि एक अटूट बंधन के आगे सारे बंधनों को खत्म कर देता है। कुछ ऐसा ही पल देखने को मिला राजधानी के सेंट्रल जेल में, जहां कैदी भाइयों के लिए उनकी बहनें राखी और मिठाई लेकर जेल पहुंची। पेश है ये खास रिपोर्ट। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन था प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। राजधानी की सेंट्रल जेल के बंधन आज एक अटूट बंधन के आगे टूट गए। जेल की सलाखें आज बंदियों के लिए लाड दुलार से भरा आशियाना बन गई। रक्षाबंधन पर जेल में बंद भाइयों के राखी बांधने बहनों का हुजूम उमड़ा और अपने भाइयों की सूनी कलाई को प्यार के धागों से भर गया। सेंट्रल जेल में करीब 2200 कैदी बंद हैं, जिनके लिए आज बहनें सेंट्रल जेल के अंदर राखी बांधने पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल में भाई बहन के इस पावन पर्व के लिए खासी तैयारियां की गई थी। बहन के मन की आशाएं हैं, राखी के ये तार। हमने सुबह 8 बजे से ही व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी और पहला जो हमारा बैच है, हमने 8:30 बजे अंदर जेल के मुलाकात के लिए प्रवेश दे दिया गया था। और महिलाओं की सुविधा के लिए हमने टेंट की व्यवस्था की है, हमने दरियां और मैट्स बिछाए हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो है स्वच्छ पानी के लिए कैंपर्स मंगवाए हैं, शरबत की व्यवस्था की है। और जो महिला बंदी आ रही हैं बाहर से, उनके यदि मान लीजिए रोली मोली या उनके रक्षा सूत्र वो नहीं ला पाई तो हमने उसकी भी व्यवस्था की है, थाली की व्यवस्था की है, ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, कारागृह के 80 जवानों को इस कार्य के लिए लगाया गया है। कई बहनें आज अपने भाइयों से मिलकर इतनी खुश थीं कि आंखों से आंसू निकलने लगे। बहते हुए आंसुओं के बीच भाई की कलाई पर बहनों ने राखी बांधी तो भाई ने भी मुस्कुराते हुए जल्दी बाहर आने का पैगाम बहन को दे दिया। तकलीफ होती है, आते गांव से राखी बांधने, जब भी नहीं बांध पाते, क्या करूं? बिना कसूर का भाई अंदर है हमारा, साल हो गई, कुछ किया भी नहीं है उसने। जब भी सजा काट रहा है, जो कर रहा है वो बाहर घूम रहा है, जो नहीं करा वो सजा काट रहा है। ये इंसाफ नहीं है कानून का, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मासूम सा भाई अंदर घुट घुट के जी रहा है, ये 1 साल हो गई उसको पूरा अंदर चाहे हुए। कुछ नहीं खास तोहफे, कहाँ जाने दे रहा है? एक सब्जी रोटी, एक मिठाई, आधा किलो से ज्यादा 1 किलो भी मिठाई नहीं जा सकती। क्या है कि 1 किलो मिठाई भी नहीं जा सकती, भाई को क्या भेज रहा है? कुछ भी नहीं। इसी बीच कई बहनें ऐसी भी थी जो मीलों दूर से अपने भाइयों के लिए राखी लेकर पहुंची थी, लेकिन आंखों में आंसू इतने कि ठीक से भाई को देख भी ना सकी। बहनों का कहना था कि भाई के बाहर आने का इंतजार रहता है और वह यही दुआ करती है कि कभी जीवन में यहाँ आने का मौका दोबारा ना मिले। धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। गांव से आई हूँ, खाना तो बना नहीं पाया, फल ले आता वो ही नहीं दिया है, बिना मतलब के जेल काट रहे। 1.5 साल हो गई पूरी, उनको बाहर निकल गई, कोई उम्मीद नहीं दिखा रही, कब निकलेंगे, कब क्या होगा, जानकारी नहीं मिलती है। जाते हैं हम, थोड़े बहुत मिलते हैं, भगा देते हैं कि जाओ यहाँ से, चले जाते यार, ऐसे कब निकलेगा, कब तक क्या होगा उसका, इसी में रहेगा क्या? आज बातचीत हुई आज आपसे? कोई क्या, जरा सी बात होती है राखी बांधते, रोना आता है, बोलते दीदी जाओ, बात ही नहीं कर पाते हैं कुछ। जेल की ऊंची दीवारें भी भाई बहन के प्यार को कम नहीं कर पाई। जेल में बंद कैदी भाइयों के लिए बहनें लगातार सुबह से कतारें लगाकर खड़ी हुई थी, लेकिन जब मिलाप हुआ और रक्षाबंधन के पर्व पर भाइयों को राखी बांधी तो दोनों तरफ से आंसू छलक रहे थे। गलती का एहसास किसको नहीं होता, लेकिन जब हुआ तो भाई ने कमिटमेंट भी की कि जल्द से जल्द मैं भी बाहर आना चाहता हूँ। और छलकते हुए आंसू के दर्द से बहनें भी यही पुकार उठी कि भाई मेरा जल्दी से बाहर आ जाए, क्योंकि अटूट विश्वास और बंधन कुछ ऐसा ही था। जहाँ बहन ने अपने भाई को पाकर खुशी जाहिर की तो वहीं भाई ने अपनी बहन की परसों बाद शक्ल देखकर बहुत बड़ा पुण्य सा कमा लिया। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अमरदीप शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।